अपने बालों को डैमेज से बचाने का सबसे बढ़िया तरीका है एक नेचुरल हेयर कंडीशनर का फ्रीक्वेंट यूज करना। लेकिन आप कौन सा हेयर कंडीशनर यूज करते हैं? कहीं आप डव, पैंटीन, पतंजलि या गार्नियर तो नहीं इस्तेमाल कर रहे? या फिर आपको लगता है कि डॉक्टर बत्रा, हिमालय या आयुष का हेयर कंडीशनर नेचुरल है? अगर हाँ तो मैं श्योर हूँ कि आपने इन कंडीशनर्स के इंग्रेडिएंट लिस्ट को चेक नहीं किया। भारतीय मार्केट में मैक्सिमम हेयर कंडीशनर्स में हार्मफुल केमिकल्स डाले जाते हैं जिनसे हेयर फॉल, डैंड्रफ और यहाँ तक कि स्किन कैंसर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसलिए अगर आप अनजाने में ऐसा टॉक्सिक हेयर कंडीशनर को लगातार यूज करते रहें तो उससे आपके बाल परमानेंटली भी डैमेज हो सकते हैं। इसलिए इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा बेस्ट हेयर कंडीशनर जो आपको भारतीय मार्केट में मिल जाएगा और साथ में एक दो बहुत ही सिंपल तरीके जिनसे आप बिना कोई कंडीशनर खरीदे घर में बैठे बैठे ही अपने बालों को नेचुरली ही कंडीशन कर सकते हैं। ये वीडियो है इन एसोसिएशन विद कपीवा हिमालयन शिलाजीत 100% प्योर। करेंगे इसके बारे में बात बाद में, अभी शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर हिंदी। एक कंडीशनर का काम है बालों में शाइन, सॉफ्टनेस और शैम्पू करने से जो नेचुरल ऑयल्स निकल जाते हैं उन्हें फिर से रीस्टोर करना। हालांकि अगर आप एक टॉक्सिक हेयर कंडीशनर यूज कर रहे हैं फिर तो शाइन और सॉफ्टनेस तो छोड़ो, उल्टा बाल झड़ने लग जाते हैं। इसलिए भारतीय मार्केट में बेस्ट हेयर कंडीशनर ढूंढने के लिए मैंने लगभग 20 हेयर कंडीशनर्स खरीदे और साथ में 2020 में कुछ लेटेस्ट लॉन्च हेयर कंडीशनर्स पे भी नजर मारी। एक बात तो ये सामने आई कि एक ही ब्रांड के डिफरेंट हेयर कंडीशनर वेरिएंट्स के इंग्रेडिएंट्स लगभग सेम हैं। यहाँ तक कि इनके टॉक्सिन फ्री लॉन्चेस में भी कुछ अलग नहीं है। मिसाल के तौर पे ट्रेस्मे के ये दोनों हेयर कंडीशनर्स में ऑलमोस्ट सेम इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं, सिर्फ एक दो हर्ब्स एक्स्ट्रा डाल दिए हैं, उससे तो कंडीशनर सेफ नहीं हो जाता। हालांकि सभी केमिकल्स खराब नहीं होते, कुछ केमिकल्स बिल्कुल सेफ होते हैं, कुछ न्यूट्रल होते हैं और कुछ तो बहुत हार्मफुल होते हैं। और मैंने इन सभी हेयर कंडीशनर्स को हार्मफुल केमिकल्स के बेसिस पे तीन कैटेगरीज में बांटा है। कैटेगरी नंबर एक में आते हैं हेयर कंडीशनर्स बाय डव, पैंटीन, ट्रेस्मे, सन सिल्क, लॉरियल, हेड एंड शोल्डर्स, जिनमें सबसे ज़्यादा हार्श केमिकल्स डाले गए हैं। दुख की बात तो ये है कि हम भारतीय इन्हीं कंडीशनर्स को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। यही नहीं, हिमालय का सो कॉल्ड हर्बल कंडीशनर भी इससे कुछ अलग नहीं है। बाकी सो कॉल्ड मार्केटेड हर्बल कंडीशनर जैसे गार्नियर, ट्रेस्मे और मैट्रिक्स भी इसी कैटेगरी में आते हैं। यहाँ तक कि डॉक्टर बत्रा, जो लोग ये सोच के खरीदते हैं कि डॉक्टर ने रिकमेंड किया है, उसमें भी हार्मफुल केमिकल्स भरे पड़े हैं। जी हाँ, बियर बालों को पोषण देती है, लेकिन ये पार्क एवेन्यू का मेड फ्रॉम रियल बियर कंडीशनर आपके बालों को फायदा नहीं, नुकसान पहुँचाएगा। मैं तो कहूँगा मेरी भी ना सुनिए, खुद इन प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट लिस्ट को चेक कर लीजिए और आप पाएंगे कि इनमें हार्मफुल क्लोराइड्स, क्वाटेरनियम्स, सिलिकॉन्स, पैराबेंस, प्रिजर्वेटिव, सिंथेटिक कलर्स और परफ्यूम्स डाले गए हैं। लगातार ऐसे हेयर कंडीशनर्स को यूज करते रहने से हेयर फॉल और जल्दी सफेद बाल आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसलिए एक जागरूक ग्राहक होते हुए अपने पैसे इन पे तो वेस्ट ना ही करें। कैटेगरी नंबर दो में आते हैं हेयर कंडीशनर्स बाय आयुष, बायोटिक और पतंजलि। ये वो ब्रांड्स हैं जो अपनी ओवर स्मार्ट मार्केटिंग के चलते अपने ग्राहक को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें से कुछ तो अपने इंग्रेडिएंट्स को छुपा लेते हैं, जैसे बायोटिक ने वैसे तो बड़े शान से लिखा है कि 100% बोटेनिकल एक्सट्रैक्ट से बनाया है, लेकिन जब इंग्रेडिएंट्स चेक करो तो 83% इंग्रेडिएंट्स को बताने से कतराते हैं। ऐसे ही आयुष ने भी अपने ज्यादातर इंग्रेडिएंट्स को कंडीशनर बेस में छुपाया है, ऊपर से हार्मफुल प्रिजर्वेटिव्स का भी इस्तेमाल किया है। पतंजलि ने 10% हर्बल एक्सट्रैक्ट्स का यूज करके अपने कंडीशनर को आयुर्वेदिक मेडिसिन ही बता दिया। ये शायद भूल गए कि आयुर्वेद की संहिताओं में क्वाटेरनियम, यूरिया, आर्टिफिशियल कलर और फ्रेग्रेंस का इस्तेमाल निषेध है। ये कंपनियां बड़ी चलाक हैं। इन्हें पता है कि ज्यादातर लोग तो फ्रंट लेवल देखते हैं, इंग्रेडिएंट्स भला कौन ही चेक करता है। इसलिए प्रोडक्ट को प्रोजेक्ट तो नेचुरल आयुर्वेदिक करो, लेकिन इंग्रेडिएंट्स में कुछ बढ़िया ना डालो। जितना दिमाग ये लोग अपनी चीप मार्केटिंग ट्रिक्स में लगाते हैं, अगर अच्छे इंग्रेडिएंट्स यूज करने में लगाते तो लोगों का भला हो जाता। इनसे बढ़िया तो कैटेगरी 1 में मेंशन ब्रांड्स ही हैं जो एटलीस्ट अपनी कंप्लीट लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स तो बताते हैं। खैर, इन हेयर कंडीशनर्स को मैं तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। सो दोस्तों, हमने 15 से भी ज्यादा हेयर कंडीशनर्स को देख लिया है, लेकिन कोई भी आपके बालों के लायक नहीं है। ये कंपनियां इतने हार्मफुल केमिकल्स डालने के बावजूद भी बच निकलती हैं क्योंकि भारत में रेगुलेशन स्ट्रिक्ट नहीं है। तो क्या भारतीय मार्केट में ऐसे कंडीशनर्स भी हैं जिन्हें हम बिना टेंशन के यूज कर सकें? जी हाँ, कैटेगरी नंबर 3 में आते हैं जेंटल कंडीशनर्स बाय ओमवेद और 48 का चकाव ब्लैक राइस कंडीशनर। ओमवेद का जेंटल हेयर कंडीशनर के इंग्रेडिएंट लिस्ट को अगर आप चेक करें तो इसमें एक भी हार्श केमिकल नहीं डाला हुआ। सभी
इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल सेफ है। ये कंडीशनर है सभी हेयर टाइप्स के लिए। 100 ml आपको पड़ेगा 590 रुपए का। 48 का चकाओ ब्लैक राइस हेयर कंडीशनर एक क्रीम फॉर्म में लीव इन कंडीशनर है, जिसको आप शैम्पू करने के बाद डायरेक्टली बालों पे लगा के रख सकते हैं, धोने की कोई जरूरत नहीं। बेसिकली ये एक एसेंशियल ऑयल बेस्ड फॉर्मुलेशन है। इसका 50 ग्राम आपको पड़ेगा 500 रुपए का। डेफिनेटली ये थोड़े कॉस्टली हैं क्योंकि इनमें चीप केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं हुआ। वैसे दोस्तों अगर आप चाहें तो बिना किसी कंडीशनर को खरीदे भी घर पे ही इजीली बालों को कंडीशन कर सकते हैं। जी हाँ, ट्रेडिशनली भारतीय लोग कंडीशनर के तौर पे बालों को धोने से आधे घंटे पहले अच्छे से ऑयलिंग कर लेते थे, फिर एक माइल्ड नेचुरल शैम्पू से बाल धो देते थे जिससे एक्सेस ऑयल बाहर निकल जाता था। इससे बालों को अच्छा पोषण भी मिल जाता है और ज्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ता। मैंने खुद अपने बालों के लिए कभी अलग से कंडीशनर नहीं खरीदा। आप कोई भी कच्ची घानी यानी कोल्ड प्रेस्ड ऑयल जैसे कि सरसों का तेल, तिल का तेल, नारियल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और बड़ा आसान तरीका है अपने बालों पे दही लगाना। अपने बालों के हिसाब से थोड़ी सी दही ले लें और उसे अच्छे से अपने बालों पे लगा लें। 20-25 मिनट लगे रहने दें और फिर एक टॉक्सिन फ्री शैम्पू के साथ धो दें और असर आपको धुलते ही दिख जाएगा। शैम्पू बाद में करने से ना तो दही की स्मेल आती है और बाल भी बहुत अच्छे से कंडीशन हो जाते हैं। मैं तो रेगुलरली यूज करता रहता हूँ। दोस्तों मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जो भी मैंने इस वीडियो में बोला है वो मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है। किसी भी बेस्ट कैटेगरी में मेंशन ब्रांड ने मुझे पे नहीं किया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी और आप चाहते हैं कि मैं इस अपडेटेड वर्स्ट टू बेस्ट सीरीज को कंटिन्यू करूं तो प्लीज लाइक किए बिना मत जाना। अगर आप सर्दियों में अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ, पावर और स्टेमिना को इंक्रीज करना चाहते हैं तो कपीवा की हिमालयन शिलाजीत, जो कि 100% प्योर है, एक बहुत ही सही ऑप्शन है। इसे हिमालय से प्रोक्योर करके प्यूरिफाई और फिल्टर किया गया है ताकि आप तक बिल्कुल ऑथेंटिक शिलाजीत पहुंच सके। हेक्टिक लाइफस्टाइल में आपको किसी भी तरह की थकान, सेक्सुअल वीकनेस है तो आप इसे यूज कर सकते हैं। इसे गेहूं के दाने जितनी क्वांटिटी को गर्म दूध या पानी में मिक्स करके पिएं। कपीवा की 100% प्योर हिमालय शिलाजीत को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक कीजिए। स्पेशल डिस्काउंट कूपन लगाना ना भूलें जिससे आपको मिलेगा 20% ऑफ। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब आप मेरे काम को ज्वाइन बटन क्लिक करके भी सपोर्ट कर सकते हैं। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि जब भी मैं अपनी अगली वीडियो डालूं आपको पता चल जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। माय नेम इज विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।